Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं विनस ऑटोमोटिव एंड ग्रुप गढ़चिरौली के विश्राम संभाजी होकर। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि विश्राम संभाजी होकम गढ़चिरौली शहर से है। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं विश्राम संभाजी होकम हूं। मैं गढ़चिरौली में रहता हूं और मेरा जन्म भी गढ़चिरौली में हुआ है। 12वीं तक की जो मेरी पढ़ाई है गढ़चिरौली में हुई है और अभी जो मेरा बिज़नेस है वो 2004 से मेरा जो बिज़नेस चालू हुआ है वो मैंने गढ़चिरौली सिटी में ही किया है। मैंने मेरा अपना जो होम टाउन है वहीं पे मैंने चालू किया है और अभी तक के हम लोग उसी को बरकरार रख रहे हैं। दोस्तों, गढ़चिरौली शहर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक नक्सलाइट क्षेत्र होने के साथ ही साथ गढ़चिरौली जैसे क्षेत्र में अपने खुद का ऑटोमोबाइल सेक्टर खड़ा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, गढ़चिरौली शहर बस अपने नाम से ही मशहूर नहीं है तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारण भी काफ़ी चर्चा में रहता है और इसका पूरा श्रेय जाता है विश्राम संभाजी होकम जी को। सर, ये बताइए कि कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए मैम, हम लोग तो पहले से, जैसे 2004 से हमारी शुरुआत है और जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर गढ़चिरौली के लिए तो काफ़ी बड़ी बात थी क्योंकि गढ़चिरौली में ऐसा कोई भी ऐसे शोरूम्स नहीं थे, कोई ऐसे वर्कशॉप्स नहीं थे, कोई ऐसा सेक्टर नहीं था कि जिसमें ऑटोमोबाइल के लिए जो शोरूम्स खुल सके। पहले हीरो का एक शोरूम हुआ था, उसके बाद में फिर मैंने चालू किया। तो ऐसी ही हमारी जर्नी चलती रही। हम लोग बस लोगों की जो मुझे ऐसा लगता था कि गढ़चिरौली के जो लोग हैं उनको कोई भी चीज़ के लिए अगर गाड़ी खरीदनी है या फिर उनको सर्विस करवाना है तो चंद्रपुर जाना पड़ता था या फिर उनको नागपुर जाना पड़ता था। इसमें उनका समय और उनका पैसा दोनों वेस्ट होते थे। उसमें हर चीज़ उनको बाहर जाके उनको करनी पड़ती थी, उसके लिए स्पेशल प्लान करना पड़ता था उनको और सब कुछ। उसमें दोनों भी चीज़ें, पैसा और टाइम उनका जाता था। और जैसे फिर मैंने जैसे मुझे मौका मिला कि मैं नौकरी, मेरे जो फैमिली है वो सब नौकरी पेशा लोग हैं तो मेरे घर में भी मुझे स्टार्टिंग से मुझे बोला थी कि तू जॉब कर लेना और अपनी जो ये मेरे भाई, बड़े भाई साहब भी है वो भी जॉब करते हैं, वो AGM है मेट्रो रेल में। अभी पहले नागपुर में थे, अभी मुंबई में है वो। तो हमारे घर में जैसे पापा भी शिक्षण अधिकारी थे, एजुकेशन ऑफिसर थे माध्यमिक गढ़चिरौली जिला परिषद में, मेरी मम्मी टीचर हैं और घर में जैसे सैलरीड इसका पूरा हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है। तो जॉब के लिए ही हमारा पहले कंसर्न था हमारे लोगों का, जो बिजनेस के लिए बोले कि नहीं, अपना काम नहीं है ये तो सब। मैंने बोला, फिर पापा के और मेरे काफ़ी हमारे ये हुए, पापा को मैं बोला कि मुझे नौकरी करनी नहीं है, मुझे नौकरी देनी है। तो बोले, ऐसा ये सोच मत तू बेटे, तू अपना ये कर ले। नहीं बोला मुझे पापा, ऐसा नहीं, मुझे बिजनेस ही करना है। और ऐसी जो जर्नी चालू हुई 2004 से लेके टिल डेट अभी, सब गढ़चिरौली के जो लोग हैं उनके जो उनका आशीर्वाद है और उनका साथ है, मेरे माँ बाप, मेरे परिवार वाले, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ, मेरे बेटे बच्ची, इन लोगों का सबका साथ है तो इसलिए आज सब कुछ ये पॉसिबल हो गया है। मतलब पूरा परिवार जो है आपका, कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन आपने सबसे शायद बगावत करके एक अपना ओन बिजनेस शुरू किया है जिसमें इतना आपने आज गढ़चिरौली ज़िले के अंदर सभी का नाम रोशन किया है। शायद से आप किसी के अंडर में काम करना नहीं पसंद करते थे बचपन से ही, एक बॉस बन के आपने काम किया है, हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर पाते, कैसे संभव हो जाती है कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसी सेक्टर को आपने क्यों चूज़ किया? अगर सेकेंड ऑप्शन कोई रखते तो
क्या रखते थे आप? देखिए मैम, मेरा पहले से ही बचपन से ही मेरा ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है बचपन से ही, और उसी को फिर मैंने अपना जो पैशन था उसी को मैंने बिजनेस में मेरे रोजी रोटी में मैंने कन्वर्ट किया है। तो और ऊपर से मेरा पैशन था इसलिए मैंने वो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, और बाकी जो टीम वर्क है और हमारा जो कोई भी बिजनेस होता है तो वो टीम वर्क के बिना होता नहीं है। मेरी जो टीम है, जो सेल्स की जो टीम है, सर्विस की जो टीम है, और जो मेरे मारुति सुजुकी के जो ऑफिसर्स हैं, सुजुकी मोटरसाइकिल के भी जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे ट्रेनिंग भी अरेंज करवाते हैं। हमारा जो स्टाफ है वो पूरा फुल ट्रेंड है, और ट्रेनिंग भी अभी जैसे कोविड के बाद में पोस्ट कोविड से तो अभी ये सब पूरी जो चीज़ें वो अभी ऑनलाइन हो चुकी है। पहले हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए नागपुर, पुणे, दिल्ली और गुड़गांव जो है हमारा, वहाँ पे जाना होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो अभी सब ऑनलाइन हो रखा है, तो अभी घर बैठे ही सब काम हो जाता है। लेकिन अभी जैसे कुछ शेड्यूल्स अभी उन्होंने रखे हैं, तो कुछ शेड्यूल्स में फिज़िकली वहाँ पे रहना ज़रूरी होता है। जैसे ट्रेनिंग सेंटर पुणे में है और ट्रेनिंग सेंटर गुड़गांव में है, तो वहाँ पे जाना होता है। अच्छा सर, अगर बात करें आपके रुझान की, तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आने के पहले किस फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था? मेरा ऑटोमोबाइल में ही इंटरेस्ट था। अच्छा, बचपन से ही मतलब था आपका डिसाइड? यस मैम। ओके ओके सर, हमने सुना है कि शिक्षा क्रांति में भी गढ़चिरौली ज़िले में शिक्षा की आपके परिवार ने बहुत ही मजबूत नींव रखी है, तो इसका श्रेय आप किसे देते हैं? देखिए मैम, देखिए जैसे मेरे हम लोग जैसे बेसिकली गढ़चिरौली से 4 किलोमीटर दूर एक गोगांव करके एक छोटा सा विलेज है, गांव है नागपुर रोड पे, तो हम लोग वहाँ पे बिलोंग करते हैं गोगांव से। तो वहाँ पे जैसे गढ़चिरौली में जैसे पहले कुछ भी नहीं था, तो मेरे पापा और जो गोगांव के जो 2-3 लोग थे उसमें मेरे पापा श्री संभा जी हुकम और गुना मुनघाटे और गेड़ाम काका थे, गेड़ाम अंकल थे, वो भी साइंटिस्ट करके वो बहुत बड़ा उनका काम था। तो ये जो तीनों लोग थे, तो जैसे एक कठानी नदी आती है, एक रिवर आता है गढ़चिरौली और जो सिटी के बीच में, और ये जो हमारा जो गांव है वहाँ के बीच में एक रिवर है बड़ी वाली कठानी। तो वहाँ पे पुलिया भी नहीं था उस वक्त में, ब्रिज भी नहीं था उस वक्त में। तो उस वक्त में हमारे पिताजी और बाकी लोग जो है, तो ऐसे जैसे पानी जैसे होता था, तो पानी में ऐसे जो किताबें हैं ऐसे ऊपर में करके वो सिटी में आते थे और शिक्षा लेते थे। अच्छा। वहीं से उनको उन्होंने ऐसा समझा कि वो खुद उन्होंने पढ़ाई की और बाकी अपना जो लाइफ है वो पढ़ाई में ही उन्होंने बिताया है। जैसे मेरे पापा पहले टीचर थे, उन्होंने फिर बाद में गवर्नमेंट जॉब लिया, और उसके बाद में उन्होंने शिक्षण अधिकारी एजुकेशन ऑफिसर तक के उन्होंने सफर जो है सफर तक तय किया है। और 80s to 90s में जैसे पापा मेरे जब गढ़चिरौली में थे, तो उसी वक्त में गढ़चिरौली जिले की शिक्षा क्रांति हुई है। तो उसी दौरान जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हुए उन्होंने वहाँ पे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थी, संस्थाएं थी, उनको उन्होंने काफ़ी निष्पक्ष और अपने तहे दिल से मदद करके उन्होंने उनके जो इंस्टीट्यूशन थे, उनके स्कूल्स थे, उनके कॉलेजेस थे, उनको मदद करके उनको ऊंचाई पे लाया है। और उन्होंने वो जो काम किया उसका जो फल आज जो हर आज गढ़चिरौली के जो स्कूल कॉलेजेस है वो बहुत अच्छे पोजीशन पे है। सर, हमने सुना है कि गरीब आदिवासी के उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट वेलफेयर जैसे कार्यक्रमों का भी आपकी फैमिली के द्वारा आयोजन किया जाता है, तो किस प्रकार से आप उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं? देखिए मैम, जैसे मैं 10th से ABBP से मैं जुड़ा हूँ, 10वीं से मैं 10th से मैं ABBP से मैं जुड़ा हूँ। तो जैसे भी अभी भी हम लोग जैसे मुझे कुछ वो लोग मुझे कोई भी मुझे मदद मांगते हैं तो मैं ज़रूर देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट जो युवा है वो ही अपने देश की जो अपनी यूथ जो है वही अपना देश का भविष्य है, और अगर वही बढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे, तो ही हमारा देश जो है, हमारी कंट्री है, वो सक्षम होंगी और एक स्ट्रांग होंगी, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, वैसे भी कहा जाता है ना कि जैसे एक मोमबत्ती पहले स्वयं जलती है, उसके बाद वो जलकर दूसरों को प्रकाशित करती है, तो कुछ इसी प्रकार से आपकी फैमिली जो है वो शिक्षा प्रधान
को फोकस करती है, और ये बहुत अच्छी बात है, वो भी गढ़चिरौली ज़िले के अंदर रहकर। अगर आपकी पूरा परिवार इस तरह की जो है वो करते हैं, कार्य करते हैं, तो अपने आप में काबिले तारीफ है। सर, हमने सुना है कि आप प्रकृति प्रेमी भी हैं, तो गढ़चिरौली के हर क्षेत्र में जाकर आपने वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया है। हाँ। आप लोगों को भी वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ। तो प्रदूषण रहित गढ़चिरौली हम कह सकते हैं कि आपकी ही देन है, कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जो है उसमें आपका हाथ है। नहीं, हम लोग देखिए मैम, देखो हम लोग हमारा काम करते हैं, हमारा कर्म करते हैं, प्रकृति से तो पहले से ही देन है। मेरे फादर, मेरे पिताजी, उनको भी काफ़ी लगाव था। और प्लांटेशन तो हम करते हैं, वो तो सभी का काम है, वो सभी का कर्म फर्ज है, वो तो करना ही करना है। और मैं तो, मेरा कोई उसमें अकेला कोई नहीं, ये सब टीम वर्क है। हमारे जैसे कुछ हमारे गढ़चिरौली में हम लोगों के जो दोस्त लोग हैं, हम लोगों के, हम लोग अपने अपने लेवल पर हम लोग करते हैं। उसमें कोई हम लोग उसको कोई मार्केटिंग या ऐसा कुछ ये नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आगे में जैसे भविष्य में ऐसे ही, मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे जो हम लोग जो सेम थिंकिंग के लोग हैं, जो हमारा जिनका वेवलेंथ मैच होता है हम लोगों का एक दूसरे का, वो लोग हम लोग वही सोचते हैं कि अगर प्लांटेशन आज करते हैं तो ही हमें आगे में उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हम लोगों को नहीं मिलेगा, हमारे जनरेशन से, जो आने वाली जनरेशन से, मेरे ही अकेले की जनरेशन नहीं, तो जनरेशन टू जनरेशन जो लोग बाकी की जो भी यहाँ के जो लोग हैं, जनता है, उसको डेफिनेटली मैम प्लांटेशन का और उसका फायदा 100% मिलेगा। मैडम, नेचर भी ठंडा रहेगा, बिल्कुल टेम्परेचर ये रहेगा, पोल्यूशन फ्री रहेगा। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। और जो ओजोन लेवल भी काफ़ी अफेक्टेड है, वो भी काफ़ी हद तक के उसमें भी सपोर्ट रहेगा वो सब चीज़ों का। बिल्कुल सर, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वृक्षारोपण होते हैं, वहाँ पर प्रदूषण रहित वातावरण भी होता है और एक पॉजिटिविटी जो है वो अपने आप में निर्माण होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जियो और जीने दो, हर आंगन में पेड़ों को खिलने दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि प्रदूषण ही हमारी तकदीर बन जाए, शेर चीता हाथी आदि तस्वीर ही ना बनकर रह जाए। ये सिर्फ इनके लिए नहीं, बल्कि सिर्फ गढ़चिरौली ज़िले के लिए नहीं, तो ये हम सब चीज़ों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत महत्व की बात है कि हर व्यक्ति ने, हर आम से खास व्यक्ति ने प्रकृति प्रेमी होना चाहिए। पहले वो पहल करे, उसके बाद उसका अनुसरण जो है वो हर व्यक्ति ने करना चाहिए, और हमारे पूरे देश को प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। इन विषय की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ, मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं विश्राम हुकम जी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं गढ़चिरौली शहर के ऑटोमोटिव क्षेत्र के विश्राम होकम जी। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है। सर, ये बताइए कि अभी तक जैसे हमने शिक्षा क्षेत्र की बात किया, प्रकृति की बात किया, है ना, बहुत सारी चीज़ें, ऑटोमोटिव सेक्टर जो है वो, उसमें किस तरह से आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं, और यहाँ पर आने के लिए आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऐसी चीज़ों की बात की। अब ये बताइए कि बहुत सारे, न सिर्फ गढ़चिरौली की, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एक छोटे से क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहाँ की युवा पीढ़ी अक्सर सीखने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वापस अपने गांव में आना पसंद नहीं करती। ये चीज़ 80% होता है, है ना। तो गढ़चिरौली क्षेत्र की अगर कोई युवा पीढ़ी, जिसमें बहुत सारी एबिलिटी है, बहुत कुछ कर सकती है, वो डिजर्व करती है एक बहुत अच्छी कंपनी और बहुत अच्छा दिमाग, तो ऐसे युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे भी, जैसे मेरा ITI स्क्वायर में मेरा जो लोकेशन है शोरूम का, उसके बाजू में ITI का कॉलेज है, और यहीं वहीं से लगभग मैं 4 से 5 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट का पॉलिटेक्निक कॉलेज है जी। लेकिन टिल डेट अभी लगभग हम लोग 19 साल अभी हमें हुए है, 2004 टू अप टू ये अभी जो 2022 के, इसमें तो ये अभी तक के सर, मैडम ये यहाँ तक के
जो स्टूडेंट्स है यहाँ के, जो पास आउट स्टूडेंट काफी होते हैं वहाँ पे, सैकड़ों के संख्या में होते हैं, आईटीआई से भी पास आउट होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज से भी पास आउट होते हैं, दूसरा कोई कॉलेज है नहीं यहाँ पे। इंजीनियरिंग कॉलेज बीच में आया था लेकिन कुछ कारणवश वो चल नहीं सका। तो वहाँ से पास आउट होने के बाद में स्टूडेंट जो है वो बड़ी सिटीज़ के ऊपर में वो लोग फोकस कर रहे हैं अपना। जैसे कोई गढ़चिरौली का आदिवासी भी स्टूडेंट उसमें रहता है, या फिर ओबीसी भी रहता है, नॉन आदिवासी भी रहता है, कोई भी स्टूडेंट जो बड़ी सिटी का चकाचौंध जब देखता है तो अपने सिटी के ऊपर में जाने को देखता नहीं है, वो आने को वापस रिटर्न आने को देखता नहीं है। इन लोगों का क्या होता है कि प्रोडक्शन लाइन में इन लोगों का लगने के बाद में, सिटी में रहने के बाद में, अपने जो एरिया है जैसे गढ़चिरौली का अपना जो जोन है वहाँ पे आने को देखते नहीं आते, सिर्फ समर के वैकेशन में आते हैं, शादियों में आते हैं और दिवाली वैकेशन में आते हैं। तो उससे क्या हुआ है मैम कि जैसे हमारे पास में जो एक स्किल्ड जो एक मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर जो है वो हो नहीं पा रहा है जी। जैसे मेरे यहाँ पे भी कभी काफ़ी कंसर्न्स आती है हमारे, काफ़ी दिक्कत आती है हमारे यहाँ पे, मैनेजर्स लेवल की लोगों का बड़ी प्रॉब्लम है। नागपुर से हमको हायर करते हैं, चंद्रपुर से हायर करते हैं हम लोग, वो टिक नहीं पाते। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या रीज़न होगा? नहीं मैम देखिए क्या होता है कि उनके जो नागपुर वाले जो लोग हैं जो अपनी फैमिली छोड़ के आना नहीं चाहते, उनके कोई बच्चे हैं वो अच्छे इसमें कोई अभी स्कूल कॉलेज तो अभी अभी यहाँ पे हमारे गढ़चिरौली में भी अभी अच्छे हो रहे हैं, पहले तो वो भी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तो अभी वो लोग नागपुर वाले या फिर चंद्रपुर वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी सिटी में दें, तो वो अपने परिवार को छोड़ के जो लोग आते हैं तो परिवार को छोड़ के आते हैं। बिल्कुल, जो नागपुर में जो है कोई अमरावती है कोई चंद्रपुर है तो उनको वहाँ पे छोड़ के आते हैं। तो क्या जाहिर सी बात है जो आदमी परिवार से दूर रहेगा तो वो ज्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रह सकता, नहीं रह सकता है। Exactly. तो वो एक रीजन है कि वो अपने फिर जो अपने प्रोडक्ट जो अपने जॉब के ऊपर में वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, जिस प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो कर नहीं पाता, क्योंकि परिवार एक जगह है, फैमिली एक जगह है, वो यहाँ पे काम करता है साल दो साल तीन साल। हम लोग कुछ पैकेज दे के कुछ ना कुछ करवा के हम लोग रोक लेते हैं यहाँ पे, लेकिन वो चले जाता है, अपने छोड़ के चले जाता है। तो मेरी यही सब लोगों से एक गुजारिश है, जो मेरे जो लोग गढ़चिरौली के जो लोग हैं जो जो बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, कि उनको भी स्कोप है, गढ़चिरौली में शहर में भी काफ़ी स्कोप है, पैसा भी मिलेगा, रहना भी होगा अपने गांव में अपने। उससे क्या होगा कि अच्छा स्किल्ड मैन पावर अगर हमको यहीं पे मिल जाएगा तो हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बाहर से कुछ हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी। उससे जो जो कहते हैं कि गढ़चिरौली में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गढ़चिरौली में रोज़गार नहीं है, हम कहाँ से है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, तो बाहर ही जाना है, ये रीज़न है मैम। और करना चाहिए, ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर। सर ये बताइए कि आप जो इतना बड़ा सेक्टर चला रहे हैं तो आपके परिवार में किस किस का सहयोग आपको मिलता है? देखिए मेरे तो बिजनेस तो मेरे माँ बाप ने, मेरे पापा और मेरे माँ ने मुझे लगा के दिया है, पैसे तो उन्होंने खर्च किए वहाँ उस वक्त में 2003 से लेके 4 तक के जो प्रोडक्शन ये था, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन था, सब कुछ चीज़ें थी, उन्होंने पैसा लगाया, और परिवार के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मेरे सक्सेस में मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, जीजा जी लोग मेरे, और शादी होने के बाद में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी वैभवी, मेरा बड़ा बेटा वीरेन, सानू, इन सबका साथ है। मेरे बड़े भाई साहब जो है हमारे विवेक खोकम उनका नाम है, वो मेट्रो रेल मुंबई में AGM है, तो उनका मेरा मुझे काफ़ी सपोर्ट होता है, उनके बिना तो उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ ऐसा बोला तो भी चलता है, उनका मुझे काफ़ी सपोर्ट है हर चीज़ में। बहुत अच्छी बात है सर कि इतने बड़े बिजनेसमैन होके भी आप अपने परिवार को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। सर ये बताइए कि एक वक्त था 2021-22 का जो हम सभी के लिए बहुत बुरा बीता, लेकिन कोरोना के समय में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आपको किन परिस्थितियों को फेस करना पड़ा? देखिए मैम उसमें तो काफ़ी हमारी इंडस्ट्री तो काफ़ी बुरे दौर से गुजर चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कह सकते हैं हमारे मैन पावर जो है बड़ा मैन पावर लगता है, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है उसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं, सर्विस में भी हमारे टेक्नीशियंस होते हैं, वॉशिंग डिपार्टमेंट होता है, मैनेजर्स लेवल होता है, स्पेयर पार्ट में भी जैसे उनके भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके मैनेजर्स हैं, तो ये इतनी बड़ी टीम को उनको लेके चलना और
अगर आपके पास में इनकम ही नहीं है तो उन लोगों को लेके चलना बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, बहुत डिफिकल्ट था। और उस वक्त मैं कंपनी से भी कुछ सपोर्ट हो नहीं सका क्योंकि वो लोग भी परेशानी में थे, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं था तो व्हीकल भी नहीं, हमको टाइम पे मिल नहीं रहा था, और रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम थी। तो रॉ मटेरियल के वजह से हमारे यहाँ पे स्पेयर पार्ट में भी दिक्कत थी, रॉ मटेरियल के वजह से व्हीकल में भी दिक्कत थी, व्हीकल भी प्रॉपरली मिल नहीं पा रही थी, और सभी जगह में हम लोग स्टक हो चुके थे। हम लोग हर जगह से हम लोग पूरे जम चुके थे। बैंकिंग से भी हमको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है, मॉरिटोरियम पीरियड जो बैंक ने दिया हमें, लेकिन वो भी उसके बाद में तो बैंक ने डबल इससे हमसे वसूल कर लिया वो पैसा। तो क्या है कि हमको ये कि खुद के भरोसे ही जितना जम सका उतने हम लोगों ने किया है। तो इतनी बड़ी मैन पावर को लेके चलना और उन लोगों को टिकाना, ये हमारे लिए बड़ा टास्क था। साथ में समाज भी था, सोसाइटी भी थी, जैसे मैं जिन लोगों के साथ में मैं जुड़ा हूँ तो वो लोग भी चाहते थे कि जैसे हम लोग उनकी मदद करें करके। तो बड़ा डिफिकल्ट था वो सब चीज़ों में। तो एक तो बिजनेस के लोगों को भी लेके चलना, परिवार तो है ही है, और जो बाकी लोग जो जैसे सोसाइटी में, जैसे हम लोग कभी जैसे कोई हमारा जो ये जो हमारे ग्रोसरीज जो थे, ये इसका जो हम लोगों ने जो वाटअप किया था, जी उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसका, तो वो भी एक चीज़ें थी मैडम। सब चीज़ में बस निकल के ऊपर वाले की ऊपर वाले का साथ है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है और माँ बाप का साथ है, और यही सब कुछ प्रार्थना अभी करते हम हैं कि लोग। भगवान इस भयंकर महामारी को दोबारा हमें फेस ना बिल्कुल नहीं, करना पड़े। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी नहीं, जी उससे हम लोग सही सलामत। मैं खुद कोरोना में एडमिट रहा हूँ, मैं भी काफ़ी 8 दिन 10 9 दिन मैं खुद एडमिट था कोरोना के टाइम पे, मुझे और मेरे परिवार हम लोग सभी अफेक्टेड हुए थे उसमें, लेकिन एडमिट तो मैं अकेला था उसमें, मैं तो, लेकिन वो दौर से हम लोग सब गुजर चुके हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस और सब बिजनेस का स्टक और बैंक का भी, सब जो बैंक का भी पूरा जो लोन्स एंड एडवांसेस थे उसका तो EMI लागू था, बैंक ने भी कभी हमको सपोर्ट नहीं किया। ये सब चीज़ें हैं, बस ऊपर वाले की दुआ है, परिवार का आशीर्वाद के और उनके साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि भावी योजनाएं बताइए आप। अभी आपका एम्पायर जो है वो काफी बड़ा है, आने वाले दिनों में और किस तरह से होने वाला है? देखिए मैम, अभी मेरे इसमें योजनाएं तो काफ़ी है, अब देखते हैं कि वो कैसे रोल आउट होती है। तो भविष्य में मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा बिजनेस है और थोड़ा एक्सपेंड करूँ, जैसे आज मेरी ब्रांचेस है, 3 4 जगह मेरे ब्रांचेस हैं, वो जो 3 4 जगह की जो ब्रांचेस है वो शामोशी, वड़सा, अरमुरी और गढ़चिरौली में भी ब्रांच है हमारी एक सिटी लेवल में, तो वो लेके और कुछ ब्रांचेस बढ़ानी है। साथ ही में गढ़चिरौली में थोड़ा सा एक बड़े सेक्टर में हमको जो शोरूम और वर्कशॉप, बॉडी शॉप, ये जो फैसिलिटीज़ है और स्टॉक यार्ड वगैरह जो हमें जो होते हैं हमारे यहाँ पे, मेरे रिलेटेड ही है, ऑटोमोटिव ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही मुझे बढ़ानी है, उसी में मुझे काम करना है, थोड़ा है और थोड़ी की ज़रूरत क्या बात है सर। है। कोशिश, परिश्रम और अपने काम के प्रति लगन से आप अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी हमारी पूरी इनविजन की टीम मनोकामना करती है सर आपसे। दोस्तों, इनविजन की खास मुलाकात में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनविजन न्यूज़। नमस्कार।